सभापति जगदीप धनखड़ उद्यमियों के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का ग्रेटर नोएडा में करेंगे शुभारंभ। 70 देशों के उद्यमी ले रहे हैं हिस्सा। हरियाणा में जारी है चुनावी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुहाना में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी। उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 26 सितंबर को प्रस्तावित कटिहार यात्रा के पूर्व जिला जदयू ने चलाया सदस्यता अभियान। पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी रहे मौजूद। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश सरकार देश में जातीय गणना कराने के पक्ष में नहीं, प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए राज्य सरकार पर मढ़ा दोष। कटिहार रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी धीरज चंद्र कलिता ने कहा है कि कई ट्रेनों के रूट में हुए बदलाव के बाद रेल प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है प्रतिबद्ध। दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए पटना सिटी प्रशासन और शांति समिति के सदस्यों की हुई बैठक। सुरक्षा और विधि व्यवस्था पर हुई चर्चा। गया जिले में त्योहार पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन ने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। विधि व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। औरंगाबाद जिले में लोगों को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक की ओर से स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 3 युवतियों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।